अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम योर साइंस टीचर हुमा तनवीर। होप यू ऑल आर फाइन। टुडे वी विल कंटिन्यू आवर समर पैक ऑफ क्लास 7 एंड वी हैव पेज नंबर 31। ऑन दिस पेज वी हैव क्वेश्चन डिफरेंशिएट बिटवीन। हमने डिफरेंशिएट बताना है किन के दरमियान, इवेपोरेशन कंडेंसेशन, इन दोनों के दरमियान में हमने डिफरेंस बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बताती हूँ आपको कि इवेपोरेशन क्या होता है। व्हेन अ लिक्विड इज हीटेड एंड चेंज फ्रॉम अ लिक्विड टू अ गैस। जब हम किसी लिक्विड को हीट करते हैं तो वो लिक्विड गैस में चेंज हो जाता है, इस प्रोसेस को कहते हैं इवेपोरेशन। अच्छा जी, अगर आप फर्ज करें कि दूध बॉयल हो रहा है, ठीक है, दूध भी तो एक लिक्विड है ना, दूध बॉयल हो रहा है, तो अगर आप उस बॉयल हुए दूध के ऊपर हाथ करते हैं तो आपके हाथ गीले हो जाएंगे, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है कि जो दूध होता है, मिल्क होता है, उसके अंदर जो वेपर्स होते हैं, जो उसके अंदर वाटर होता है, वो वाटर वेपर्स में चेंज हो जाते हैं क्योंकि उसको हीट मिल रही होती है, ठीक है। इसी तरह अगर आप, अक्सर ऐसा हुआ होगा कि आप टी रखते हैं, ठीक है, और फिर रख के भूल जाएँ अगर, तो वो बिल्कुल ड्राई हो जाती है। वो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि टी भी एक लिक्विड है, तो जो लिक्विड है वो बहुत ज़्यादा बॉयल होता रहता है और उसको कॉन्टीन्यूसली हीट मिलती रहती है। जब उसको हीट कॉन्टीन्यूसली मिलती रहती है तो वो सारा लिक्विड जो है वो गैस में चेंज होके वो हवा में शामिल हो जाता है, ठीक है, लिक्विड बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट है कंडेंसेशन। व्हेन वाटर वेपर कूल्स एंड चेंज फ्रॉम अ गैस टू अ लिक्विड। अब वो कह रहे हैं कि जब वाटर वेपर जो हैं कूल किए जाते हैं और वो गैस से लिक्विड में चेंज होते हैं तो वो हमारे पास कंडेंसेशन कहलाता है, ठीक है। जैसे कि फ़र्ज़ करें कि आप इसी तरह से, मैंने जिस तरह आपको पहले एग्जांपल दिया मिल्क की, अगर आप इसी तरह उसके ऊपर हाथ करते हैं तो आपके हाथ गीले हो जाते हैं। वो क्यों होता है कि जो वाटर वेपर्स होते हैं ना वो आपके हाथ पे लगते हैं, वो दोबारा लिक्विड में चेंज हो जाते हैं, ठीक है, वो कूल हो जाते हैं, ठंडे हो जाते हैं। इसी तरह हमारे पास कंडेंसेशन का भी प्रोसेस है कि जब जो हमारे पास गैस होती है उसको जब हम कूल करते हैं तो वो लिक्विड में चेंज हो जाती है, ओके जी। तो नेक्स्ट है हमारे पास डाइजेशन रिस्पायरेशन। ये तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि डाइजेशन क्या होती है, रिस्पायरेशन क्या होती है। तो मैं पहले आपको डाइजेशन बताती हूँ। अ प्रोसेस इन विच फूड इज टेकन इन एंड एब्जॉर्ब इन टू अवर ब्लड। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम फूड को, खुराक को अंदर लेके जाते हैं, ठीक है, और उसको हम हमारे जो ब्लड है उसमें एब्जॉर्ब हो जाता है वो फूड, ठीक है, उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं। इस तरह के प्रोसेस को हम कहते हैं डाइजेशन, ठीक है। रिस्पायरेशन आ प्रोसेस दैट इन्वॉल्व एक्सचेंज ऑफ गैसेज बिटवीन एटमोसफेयर एंड ऑर्गेनिज्म। अब जो हवा का चेंज होना है, जैसे कि हम एटमोसफेयर से गैस को अपने अंदर लेके जाते हैं, इन्हेल करते हैं, ठीक है, और फिर हम कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल कर देते हैं, वो दोबारा एटमोसफेयर में शामिल हो जाती है, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रिस्पायरेशन, ठीक है। तो डाइजेशन वो प्रोसेस है जो हम लोग खाना खाते हैं और वो हजम हो जाता है, लेकिन रिस्पायरेशन ऐसा प्रोसेस है जो हम सांस लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है जी एरोबिक रिस्पायरेशन एंड एनारोबिक रिस्पायरेशन। इसमें हमारे पास ऑक्सीजन मौजूद होती है और नहीं भी होती, ठीक है, लेकिन इनमें मेन डिफरेंस ये है कि जब एरोबिक रिस्पायरेशन हो रही होती है तब कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एटीपी प्रोड्यूस होता है, ठीक है, लेकिन जब एनारोबिक रिस्पायरेशन हो रही होती है तब लैक्टिक एसिड, एथेनॉल एंड एटीपी प्रोड्यूस होता है, ठीक है, ये इन दोनों में डिफरेंस है। ओके स्टूडेंट्स, होप आपको इनडिफरेंशिएट की समझ आ गई होगी। थैंक यू।